दोस्तों माता और पिता दोनों के दोनों मैट्रिक फेल, लेकिन अपने बिटिया को बना दिए मैट्रिक टॉप। जी हाँ, देख सकते हैं अभी हमारे साथ मैट्रिक टॉपर हैं जो चौथे स्थान पे पूरे बिहार में हैं, जिनका अंक है 483, यानी कि चौथे स्थान पे। देखिए इनके पूरे परिवार वाले अभी हमारे साथ हैं, इनके रिश्तेदार हों, अगल बगल के सब लोग खुश हैं, हम सबसे बातें करेंगे। पहले वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वो टॉप करने वाला सीक्रेट बताइएगा क्या हमें? नहीं, ऐसा तो मेरा कोई सीक्रेट नहीं है, मैं बस पढ़ाई करती थी। पढ़ाई तो सब कोई करते हैं। हाँ, तो मैं भी करती थी। हाँ, मैं भी सिर्फ पढ़ाई करती थी। अच्छा, कितने आवर्स पढ़ाई करती थी? 6 से 10 घंटे। 10 घंटे के आसपास पढ़ती थी डेली? हाँ। कोचिंग सुबह जाती थी और शाम को भी जाती थी। स्कूल 9 बजे से स्टार्ट होता था, 3 बजे तक। हाँ, मतलब दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। देख लीजिए, आप लोग कहते हैं ना कि टॉप करना हार्ड है, आसान है, क्या है भाई साहब, आप बताइए। अब देखिए, पढ़ते 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 तब लोग जाके टॉप करते हैं ना। यस सर। इनके पिताजी जो है किसान है, हालांकि ये खुद मैट्रिक फेल है, लेकिन बिटिया को इतना करेज दिए कि इतना मतलब अंदर से इनको गट्स था कि मेरी बेटी जो है वो टॉप करे। आज वो बेटी जो है ये करके दिखाई है, तो इनसे पूछेंगे कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं देखिए भावुक भी है अंदर से, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके बिटिया को पढ़ा रहे हैं, भावुक भी हैं, लेकिन बिटिया ने ऐसा किया है कि पूरे देश के लोग अभी वाहवाही कर रहे हैं, है कि नहीं? जी सर। हाँ, दादाजी भी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, कब मालूम चला कि रिजल्ट में टॉप की है? जैसे इसका जब आया था तो पटना से फोन आया था कि ऐसी बात है, उसको लेके इंटरव्यू के लिए फिर गए, और उसने फिर जम्मू से शायद परसों आया था कि आपका जो है ना चौथा रैंक में आपका। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आपको मालूम चला होगा कि पोती जो है टॉप कर गई, कैसा लगा? अरे उस समय सोचने क्या है, क्या सोचा? उस समय सोचने का मौका कहा, खुशी में कुछ सोचता? डांस नहीं करने? अरे डांस भी किया था, डांस भी किया था, बाजार से डांस करते करते घर आए। देख लीजिए, असली खुशी तो यही है। नीचे देखिए मिठाइयां पड़ी है, फूल है, और सारे परिवार वाले, रिलेशन वाले सभी लोग अभी आए हुए हैं क्योंकि ये टॉप की है। इतना सारा सपोर्ट देख के मन तो मनोबल बढ़ रहा होगा अंदर का। जी। आगे क्या कुछ करना चाहती है? आगे पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना है। इंटरमीडिएट में क्या सब्जेक्ट चूज कीजिएगा? साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? साइंस। साइंस लीजिएगा। हाँ। इंटर में भी टॉप करना है, दोबारा आने का मौका दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। इनकी माँ भी अभी हमारे साथ है, कैसा लग रहा है माँ जी? बहुत अच्छा लग रहा है। सोची थी कि बेटिया जो है टॉप करेंगी? जी सोचे थे, क्योंकि पढ़ाई बहुत अच्छा से कर रही थी। कितने घंटा पढ़ती थी आपकी बेटी? जितने घंटा इसको पढ़ना था वो पढ़ लेती थी अपने मन से। काम उम नहीं करने देती थी? हाँ जी। नहीं, काम क्या करेगी, पढ़ाई करती थी तो। पढ़ाई करती थी, कहीं ना कहीं उम्मीद था आपको भी कि टॉप करेंगी। कब मालूम चला कि बिटिया टॉप की है? उस समय का रिएक्शन क्या था? बहुत अच्छा रिएक्शन था, बहुत खुशी का माहौल था। बहुत खुशी का माहौल था। चलिए ये देखिए, दादी माँ है ना, कैसा लगा था? अच्छा लगा। अच्छा लग गया था? बहुत अच्छा नहीं लगा था? हाँ बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। मिठाई उठाई खिलाई है? मिठाई तो रखा है, खाइए। मिठाई नीचे रखा हुआ है, लगातार खिलाते रह रही हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। हाँ, कहाँ से आई हैं? रिश्तेदार हैं कि यहीं की? हाँ। मैं जम्मू जिला के ही खैरा से आई हूँ। अच्छा। और मैं इसके रिश्ते में मामी लगती हूँ। मामी हैं आप? हाँ, कैसा लग रहा है? मैं इसकी मम्मी की भाभी हूँ, तो उसकी मामी ही हुई ना। हाँ। और मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे तो मेरा मन उतना आने का था नहीं। अच्छा। पर मैं इसके बारे में ही सुन के मेरा मन हुआ कि मैं मिलूं उससे। हाँ। और मैं जाऊँ। और मैंने कहीं टॉप की है तो एकदम मामी दौड़ी भागी, मिठाई उठाई लेके आई है? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। आप टॉप की है, चौथे नंबर पे आप हैं, कहीं मन कर रहा था कि पहले नंबर पे हूँ? पूरी कोशिश कर रहे थे हम। हाँ। लेकिन अच्छा, आप चौथे नंबर पे आई तो मन में आया कि मैं पहले नंबर पे भी आ सकती थी? जी। हाँ। आया तो था, मन में आया था। हाँ। कहीं ना कहीं देखिए, आपके जस्ट यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक लड़का है जो टॉप किए हैं, हम उनका खबर भी अभी दिखा के आ रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है, आपको मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, कि उनका स्पीकिंग स्किल, उनके बोलने का तरीका से मुझे फार बेटर आपका तरीका अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ, मुझे पता है कि आप अच्छा कर सकती हैं और अच्छा फ्यूचर में करिएगा भी। आईएएस बनना चाहती हैं? बनाइएगा। हाँ सर, आईएएस बनाने में बहुत पैसा लगता है जी, जहाँ तक होगा सहयोग करेंगे और परिवार सब
सब मिलनसार हैं, सब लोग सहयोग करेगा। मुझे देख के लग रहा है कितने मिलनसार है, एकदम सब लोग एकदम आए हुए हैं। कहीं ना कहीं आईएएस बनाने में बहुत खर्च आता है, बिटिया को आईएएस ही बनना है, आप किसान हैं, पूरी कोशिश करेंगे? हाँ पूरी कोशिश करेंगे, और सब भाई वगैरह जो है सब सबको मदद करेगा, सब हर एक दिल से वो अपना बेटी ही मानता है। हाँ, हाँ। सबकी लाडली हैं आप जी, दोनों चाचा देख लीजिए। हाँ देख लीजिए, पीछे वो कैमरा कर रहे हैं, इधर नहीं आ रहे हैं। चाचा है। हाँ इनसे भी बातें करते हैं, देखिए इनके गुरुजी भी है, जरा इधर आइए। कैसे पढ़ाते थे इनको, क्या शेड्यूल था? शेड्यूल बस यही था कि सिलेबस पे कवर किया जाता था, और थोड़ा सा बोलते थे एक्स्ट्रा भी कोशिश करो कि पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दो, और यही सब तरीका था, और कुछ अंदाज ही कुछ अलग सा था। अच्छा बहुत सारे लोग तो पढ़ते हैं आपके कोचिंग में, करीब सैकड़ों लोग होंगे, लेकिन इनमें और उनमें क्या अंतर आता है? अंतर बहुत था, जिसमें होता है ना कि माइंडली अंदर का जो सोचने का जो क्षमता होता है, वो सब देखने के बाद जो है सारा चीज पता चला। क्या इनका जो सोचने का शक्ति है, समझने का शक्ति है, याद करने का क्षमता है, वो सभी लोगों से अलग है इनमें? जी हाँ, पूरे अलग है। हाँ। एक बार जो आप समझाते थे समझ जाते थे जी। हाँ तभी जाके अभी टॉप की हैं जी। चलिए बहुत शुभकामनाएं हैं आपको भी, आपके कोचिंग आप चलाते हैं, बच्चों के भविष्य बनाते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सोचे थे कि टॉप करेंगे? हाँ सोचे थे कि मेहनत मेरा पोती बहुत कर रही है, तो जरूर कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा ही आएगा आएगा। आज जब सुने कि टॉप कर ली है तब एकदम खुशी का ठिकाना नहीं होगा? खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलिए ये भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिठाई उठाई खिलाए हैं? हाँ खिलाए। चलिए बहुत अच्छी बात है, और कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाया और मिलवाया, ये मैट्रिक की टॉपर हैं, और इनसे मैं लास्ट सवाल करना चाहता हूँ। मैंने एक पेपर में पढ़ा है आपके बारे में, आपने वहाँ कहा है कि स्कूल में जो है शिक्षा की कमी है थोड़ी सी, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ हमारे स्कूल में देखिए टीचर्स कम है, चार ही टीचर्स है, तो इसलिए वो लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मतलब वो लोग भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, पर टीचर्स कम होने की वजह से वहाँ पे पढ़ाई मतलब कि कम होता है। हाँ हाँ कहीं ना कहीं आप जो है शिक्षा स्कूल से कम प्राप्त करके कोचिंग से ज़्यादा प्राप्त की हैं जी। हाँ इसीलिए देखिए कहीं ना कहीं बोर्डलेस है अभी से, आईएएस वाला जो बात है ना कि अभी जो दिक्कत है तुरंत बता देंगे ऑन द कैमरा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। सब बच्चे नहीं कहते हैं कि नहीं पढ़ाई नहीं होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आप हिम्मत करती हैं सब कुछ कहने को। हाँ जो सही होगा बोलेंगे जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनके लिए ताली बजाइए आप लोग। और ये है मैट्रिक टॉपर, जो इनका चौथा रैंक है पूरे बिहार में, और कहीं ना कहीं जमुई में जो है पहला स्थान है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके फटाफट से बता दीजिए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।